भाई पीछे एक गाँव पड़ा, वहाँ पे क्लियर क्लियर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप हमारे गांव में आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते, फ़ोटो शूट नहीं कर सकते, प्री वेडिंग नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हुए मिलते हो तो आपकी जो भी वस्तु होगी, मोबाइल हो, कैमरा हो, वो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर देंगे, तोड़ देंगे और ऊपर से कानूनी कार्रवाई करेंगे। भाई ऐसा क्या है उस आदर्श गांव में, मुझे नहीं पता, मैं गया ही नहीं। तो भाई फिर से मैं हॉस्टेलर आ गया और ऑनलाइन बुकिंग करनी है, अकाउंट में पैसे नहीं है, देखता हूँ क्या करना है अभी। शायद से कैश अगर इन लोग कर लेंगे तो कैश मेरे पास पड़ा हुआ है, कर दूँगा, अदरवाइज वेट करना पड़ेगा थोड़ा। नहीं कोई नहीं। तो गाइस मैं अभी फ्रेश हुआ, फ्रेश होने के बाद मैं भी जा रहा हूँ आरती के लिए, क्योंकि आरती स्टार्ट हो गया होगा, शायद से मैं लेट हो गया हूँ। और मैं हॉस्टेलर में फिर से जो है स्टे किया हूँ, काफ़ी मुझे अच्छा लगा यहाँ का प्रॉपर्टी, इसकी वजह से मैं सेकेंड टाइम स्टे कर रहा हूँ। अब मैं चल रहा हूँ आरती के लिए। मैं हूँ प्रेजेंट टाइम में त्रिवेणी घाट पर, जहाँ पर आप फ्री में चप्पल जूते अपने रिमूव कर सकते हो।
ओमकारानंद घाट के लिए उतर रहा हूँ। बगल में ही शत्रुघ्न घाट भी था, बट मुझे स्नान करना है, उसके बाद में शिव मंदिर जाना है दर्शन करने के लिए। बंदा कहाँ है? विपिन, 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 विपिन भाई, मृत्युमोक्षीयमामृता। तो भाई मैं शत्रुघ्न घाट के बगल में एक घाट था, वहाँ पर मैं स्नान किया। स्नान करने के बाद हमने गंगा जल लिया और मेरा दोस्त भी मुझे गाजियाबाद से आया हुआ है, मिला है मेरठ से, सॉरी। और अब हम लोग आ गए हैं ऋषिकेश लक्ष्मण झूला वाली लेन में, लक्ष्मण चौक के पास में भगवान का मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करेंगे, जलाभिषेक करेंगे, उसके बाद में फिर हम जाएंगे चेकआउट करेंगे होटल से। सॉरी, भाई हॉस्टलर से मैंने चेकआउट कर लिया है, अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। मैं तो सर, तो आप, मैं ये कह रहा था कि आप, हेलो मैम, नाम क्या है आपका? स्वीटी मल्लिक। कुछ कहना चाहते हो हॉस्टलर के बारे में? बिल्कुल, मैं यहाँ की कम्युनिटी मैनेजर हूँ और ये हॉस्टल सबसे बेस्ट है, सबकी कमी है। अरे फिर से कमी यार। यार आप डिस्काउंट करवा दो, हम लोग आते रहेंगे। तुम 10 लोग लेके आओ, मैं थोड़ा डिस्काउंट करा। 10 लोग? मैं सिंगल हूँ, सिंगल घूमता हूँ। हाँ मैं रिकमेंड कर सकता हूँ 10 लोगों को। थैंक यू सो मच। कितने साल से काम कर रहे हो यहाँ पे तुम? मैं 3 मंथ से काम कर रहा हूँ यहाँ पर। 3 मंथ से? अच्छा, तो यहाँ कोई कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह नहीं है? हॉस्टलर का कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है वैसे। हॉस्टलर काम करता है वेबसाइट पे। ओके। हॉस्टलर की अपनी वेबसाइट है thehostler.com, एंड उस वेबसाइट पे सभी के सभी आपके हॉस्टल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, एंड आप वहाँ से बुक भी कर सकते हैं। ओके। सो आपको इजीली जाना है hostler.com, आपको सर्च भी जाना है, प्रॉपर्टी का नेम अपर तपोवन सर्च करना है, देन अपर तपोवन सर्च करने के बाद आपको उसमें ऑप्शन आ जाएंगे अपर तपोवन की सारी लिस्ट जो हमारे रूम्स की है, सो आप वहाँ से बुक कर सकते हैं। थैंक यू, वेलकम। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी यहाँ पे एक वैष्णो ढाबा है, शुद्ध फैमिली ढाबा ऐसा करके लिखा हुआ है, यहाँ पे रुके हुए हैं चाय पीने के लिए। और हमने इनको कहा है कि हमारा व्रत है, शिवरात्रि का दिन है, तो प्लीज़ अच्छे से साफ़ सफाई करके जो है चाय बनाना,
इन्होंने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी, अब देखते हैं चाय आने के बाद पता चलेगा। वैसे तो इन्होंने मिट्टी के बर्तन में चाय देने के लिए प्रॉमिस किया हुआ है, वो आज के डेट में बहुत रेयर केसेस में मिलता है, मिलता है तो काफ़ी चार्जेबल है, कुछ 10 या 15 रुपए उसका चार्ज करते हैं एक कप का। हम लोग एक्चुअली उसको गांव में कुल्हड़ पुरवा बोलते हैं, यहाँ मुझे पता नहीं क्या बोलते होंगे, बट काफ़ी स्पेस है इनके ढाबा में, अच्छा लग रहा है बैठ के, थोड़ा सुकून मिला क्योंकि हम लोग ऋषिकेश से चले तो करीब 1 से 1.5 घंटे हमें जो है पूरा का पूरा ट्रैफिक मिला, पूरा दिमाग ख़राब हो गया था, बहुत ज़बरदस्त वाला ट्रैफिक लगा था। और वहाँ से निकलने के बाद हम नॉन स्टॉप यहाँ पर आए हैं, करीब 50-60 किलोमीटर जो है, तब जाके हम लोगों ने हॉल्ट किया। वैसे हमारे परम मित्र विपिन भाई साहब मिल चुके हैं हमें, घाट पे ही मिले थे, मैं इनसे आपको जो है तारुफ़ करवाता हूँ। लो भैया, फाइनली हम लोगों को चाय आ गई है कुल्हड़ वाली, और ये इनकी चाय है और ये भैया है, कुछ कहेंगे आप? प्रणाम करेंगे। हाँ, ये बहुत शर्माते हैं यार ब्लॉग में सामने से बात करने में, वही मैं सोच रहा हूँ आज ये कुछ कहें, कहो क्या कहना है। एक्चुअली मैं, मेरे लिए कोई नई चीज़ तो ये नहीं है क्योंकि मैं मेरठ में रहता हूँ और मेरठ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 150-150 किलोमीटर के आसपास हरिद्वार पड़ता है और साल में 2-3 चक्कर हमारा लग जाता है, तो इसलिए हमारे लिए तो कुछ ऐसा कुछ नया नहीं है। पर हाँ, क्योंकि पंकज भाई मुंबई से हैं और हालांकि अब तो ये भी साल में 1-2 लगा ही देते हैं, पर हमारे लिए तो बहुत पहले से हमने ये सब कुछ देखा हुआ है, तो इसलिए हमें कुछ ज़्यादा अलग नहीं लगता। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपको? आई थिंक मैं रात आया था, 3 तो शायद मेरे को बजी गए थे, 3 का टाइम तो ही रहा होगा, और गंगा आरती देखी हर की पौड़ी पे, और कुछ श्रद्धालु जो लोग वहाँ पे आए हुए थे उनसे बात की, कुछ शॉप्स वगैरह थी उनसे, उनके पास जाके उनसे बातें की और कुछ जानकारी ली जो आपको मेरी वीडियो में मेरे चैनल पे आपको मिलेगी। भाई विपिन भाई का खुद का जो है VRC ब्लॉगर के नाम से YouTube चैनल है और बहुत मेहनत करते हैं, अच्छे कंटेंट क्रिएट करते हैं, अच्छे कंटेंट बनाते हैं ये, और कैमरे में आने में शर्माते हैं। एक्चुअली अभी हम जहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं वहाँ पे पंकज भाई ने बोला कि यहाँ पे एक चारपाई मिल जाए तो मज़ा आ जाए, तो मुझे इसमें कुछ अपनी टिप्पणी करनी थी जो मैं आपके मतलब सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ कि पंकज भाई का कहना तो ये था कि यहाँ पे मिल जाए मुझे एक चारपाई, तो हम उसमें ऐड करना चाहते हैं कि इस चारपाई के साथ में अगर आपको मिल जाए एक लुगाई तो मज़े ही आ जाए। अरे नहीं चाहिए यार लुगाई। पास में गंगा जल उठा के पैदल चल के जाना, डाक कंवर लेकर जाना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, तो मैंने भी किया हुआ है, तो मैंने अपने आप को रोक नहीं पाया मैं भी, और एक्साइटमेंट मेरी बढ़ गई और मैं वहाँ पे जाके जो है वीडियो शूट किया कि उन लोग कैसे जो है कर रहे हैं और क्या मतलब इंजॉयमेंट होता है, धूप गर्मी छाँव बारिश मतलब कुछ भी नहीं देखा जाता। तो अभी मैं रास्ते में आप लोगों को दिखाऊँगा कि मीन्स कि जिनका वेट बहुत सारे लोग होते हैं ना कैसा बोलते हैं कि हमारा वेट बढ़ गया, मैं वॉक नहीं कर सकता, दौड़ नहीं सकता, बट मैंने अभी एक बंदे को देखा वो आई थिंक से 15-20 की स्पीड में जा रहा था, मैंने मेरे ब्लॉग में शूट नहीं किया बट अभी आगे जाने के टाइम पे अगर वो दिखेगा तो मैं 100% शूट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। अप्रॉक्स 100+ उसका वेट होगा, नहीं 100+ रहेगा उसका वेट, और वो बंदा क्या स्पीड से भाग रहा था यार, ये सब बाबा की कृपा है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर रुका हूँ, चाय वगैरह पिया,
काफ़ी अच्छी चाय थी इनकी और बहुत मतलब अदरक थोड़ी कम थी बट अच्छी थी। सुबह में जो हम लोगों ने चाय नहीं पी थी वो चाय पूरी जो है पी के मतलब कि अपने दिल को तसल्ली दे लिया। मैं दिखाता हूँ हम लोग कहाँ रुके हुए थे, न्यू यात्री शुद्ध फैमिली ढाबा, और इनका मेन्यू वगैरह तो मुझे नहीं पता बट काफ़ी साफ़ सुथरा इनका रेस्टोरेंट है, अच्छा लगा मुझे। काफ़ी मिलनसार व्यक्ति हैं इन लोग और सुनते भी हैं, काम उम भी अच्छे से करते हैं, काफ़ी साफ सफाई है इनके रेस्टोरेंट में। अगर आप लोग भी आना चाहते हो तो यहाँ पर आके बैठ के खाना पीना लंच डिनर। कमर की तो वाट लग गई है पूरी की पूरी, और लेकिन जो इसने चेयर दिया है ना बैठने के लिए, वो चेयर, ये चेयर ना बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा लग रहा है बैठना यहाँ पे। और चाय पियेंगे हम लोग, रुके हैं कहाँ पर, गणपति टूरिस्ट ढाबा नंबर 1, एड्रेस तो पता नहीं है, यहाँ पे ढोपा पुल पड़ता है अप्रॉक्स 200 मीटर, आप आगे आओगे ये रेस्टोरेंट ढाबा मिलेगा आपको। सुशील भाई मिले, बहुत अच्छी चाय बना के दी है इन्होंने और काफ़ी अच्छा डेकोरेट करके और अच्छा खासा करके इन्होंने रखा हुआ है, चाय तो बहुत अच्छी है यार। बाकी ये है कि चाय फ्री करेंगे तब और भी अच्छी लगेगी। हेलो।